चैनल को सब्सक्राइब करें और नए पोस्ट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, प्रातः काल समय में जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय इस स्तोत्र को प्रतिदिन सुनना है। यह एक ऐसा अमोघ उपाय है जिससे बड़े से बड़ा कर्ज भी शीघ्र ही उतर जाता है। इस स्तोत्र को जो प्रतिदिन सुनता है, स्वयं भगवान विष्णु उनकी बाधाओं को हर लेते हैं और उनके लिए कठिन काम भी आसान हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नियमित सुनने से बड़ी बड़ी लड़ाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस स्तोत्र का पाठ नियमित सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अमोघ स्तोत्र को प्रतिदिन अवश्य सुने, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी गुरु दक्षिणा की हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद। यो निश्चित कर व्यवस्थित मति से मन को प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म के अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य पर है सबके, जो निज भू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार, को हो कभी प्रकट अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्भक साक्षी बनकर जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोक पालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार, अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु वे मैं मुझको आज संभार, देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा, जो साधु स्वाभवी सर्वश्रुद वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा सेवन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय, उस परमेश्वर उस परब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहु रूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार, बन सतो गुणी सुनि वृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वज्जन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन, जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार, सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार, हे आत्ममूल है मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बार बार, इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में हे सदा भास है तुझे नमन, सबके कारण निष्कारण भी हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण, सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अघाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय, जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल,
मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्येक चन, बन अंतर्यामी है भगवन, हे अपरिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदार में, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में, जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर, वांछित फल को पा लेते हैं जो देते यथा अयाचित वर, भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर, जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्रीहरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मगन रहे गा गा कर उनको निसिवासर, जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पतितों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर, जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरणे निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भाति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन, वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष, वही जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश, वही कुछ चाहन जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी केतन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे, उस विश्व सृजक अज विश्वरूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय, मैं जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमे नत सविनय, हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमामय प्रभु के शरणागत, यह निराकार वप भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर, आए जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहां उस काल प्रकट, वे देख उसे इस भांति दुखी उसका यह आत्मस्तव सुनकर, मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर, आ पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे, अतिशय बलशाली ग्राहज से था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्रीहरि को
आसीन गरुड़ पे अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, यह बोला उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपा, झट खींच सरोवर से बाहर। कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्र धार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए पोस्ट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।